एक वजीफा और बता दूं, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, मियां बीवी में कभी झगड़ा हो नहीं होगा। बीवी अगर चिड़चिड़ापन दिमाग में रखती है, बीवी बात बात पे गुस्सा करती है ना, तो दो तीन वजीफा है, अगर इस वजीफा को दिन में दो तीन मरतब आप कीजिएगा ना, घर में झगड़े खत्म, घर में झगड़े खत्म। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान बड़ा चालाक था, बी बोली कि पड़ोसी टीवी ले आया, आप टीवी नहीं लाइएगा हम नहीं लाएंगे। ये नौजवान बोला कि हम टीवी नहीं लाएंगे, तो बी बोली कहे कहने ना वो टीवी। तो नौजवान बोला कि जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो तो रात देखे जो हम रोती ले हमारे खुश भाई, तो टीवी लाके की करबो। बी बोले ठीक है, जो बोले जो तो चलो स्पेशल चाय पिलाओ, छोड़ टीवी छोड़ी दो। बीवी की तारीफ जब भी घर के अंदर में दाखिल हो, बीवी की थोड़ी तारीफ कर दोगे, हा मुन्नी में आज बड़ा खूबसूरत लगे। ए वाह, औरत आपके लिए तो वो जान निछावर कर देगी कि मेरा शोहर मेरी तारीफ किया है। कुछ भी खाना बनाए तारीफ कर दो, क्या खाना बनाई आज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मलन। नौजवान मस्जिद में तकरीर सुना, घर आया, जुमा का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ के आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना निकाल कर दी, एक लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला सुबहानअल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया बोला मुन्ना की अम्मी कितनी कितना अच्छा खाना बनाई, जी चाहता प्लेटे खा ले। बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, ली बीवी बेलना, अब पीछे से आई मारी सर पे खटा, बोली बारे बार कने मार ले हमरा के। बी बोली कि हमरो शादी रे 20 साल भाग लो, आज तक मेरी तारीफ नहीं किए, आज पड़ोसी की यहां से दाल लेकर आ गए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मार भो मथाक बाले उड़ा दो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ करो। तो शाहजहां बादशाह, बीवी जब मर गई, मुमताज जब मर गई ना, तो शाहजहां सोचा कि मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूं, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बादशाह हूं, तो अपनी बीवी के लिए मैं कुछ करूं, कुछ ऐसा ऐसे यादगार हो जो रहती दुनिया तक, लोग उसको देखे और मेरी बीवी की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत को लोग याद करे। कुर्बान जाओ, लेकिन अफसोस होता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अफसोस इस बात का अफसोस है कि काश शाहजहां ने ताजमहल बनाया 400 साल पहले। कितने दिन हो गए, अरे बोलो भाई, 400 साल हो गए ताजमहल को जिस तरीके से बनाया था, वैसा ही ताजमहल अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ, ऐसा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया कि पूरी दुनिया के अंदर में कोई ऐसा इंजीनियर ऐसा महल बना नहीं सकता, नहीं बना सकता है। यूरोप वाले देखने के लिए आते हैं, अमेरिका वाला देखने आता है, बड़े बड़े साइंसदान, कुर्बान जाओ वो हैरत में है कि 400 साल पहले कैसा इंजीनियर था, कैसे मिस्त्री थे, कैसा मजदूर था दिमाग वाला। जानते हो वो मिस्त्री कौन थे, वो मजदूर कौन था, वो इंजीनियर कौन था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, वो मुसलमान था। सुभान अल्लाह, बोला था माशाल्लाह। मैं इसलिए हैरत में कह पा रहा हूँ, मैं हैरत इसलिए कर रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ, काश शाहजहां ताजमहल ना बनाकर कोई कॉलेज बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, ताकि हम लोग उससे फायदा उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सामईने किराम, आज एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है, ये मदरसे क्यों जरूरी है? कुछ लोगों ने कहा कि हजरत ए मदरसा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अरे की मिस कॉलो से नारा लगावै छौ, तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना अब्दुल करीम साहब का स्वागत है तरगेदी, हजरत मौलाना सोहराब साहब चादान चापदानी कलकत्ता। बहुत बड़े चतुर्वेदी,
भारी भरकम चतुर्वेदी, भारी भरकम अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे आलिम दीन आपके इलाके का है माशाल्लाह। उनकी तकरीर होगी, और हकीकत कहिए यूँ कि भले ही आप लोग उस तरीके से उनको ना सुन पा रहे हों, लेकिन बाहर में जाकर देखिए, जमुई हो, झाझा हुआ, खड़गपुर हुआ, उड़ीसा हुआ, जहाँ पर मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब को लोग बहुत मोहब्बत के साथ सुनते हैं, देखते हैं। ये मैं तो मज़ीद दुआ करता हूँ कि अल्लाह और ज़्यादा ज़्यादा इल्म नाफ़े अता फरमाए, शोहरत की बुलंदियों पे अल्लाह पहुँचाए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, अभी पैसा लेके मत आना, हम मनाना किए थे। अरे बेचैन छे बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह 141 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह, इस पैसे को मैं यही रखता हूँ। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, मदरसा क्यों ज़रूरी? देखिए, ये मदरसा आज का ईजाद किया हुआ चीज़ नहीं, की हुई चीज़ नहीं है, ये मदरसा आज का नहीं है, ये मदरसा मेरे अल्लाह ने ज़मीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, समंदर बनाने से पहले, शजर व हजर को बनाने से पहले, हर चीज़ से पहले अल्लाह ने मदरसे का जो बुनियाद रखा ना, आलिमे अरवा में रखा, ए आलिमे अरवा में रखा, सबसे पहला मदरसा मेरे अल्लाह ने खोला। हमने क्या समझा इसको, हल्के में लिया, देखा घर, बोले ओहो एक महीना पहले तो यहाँ कोई घर नहीं चले, दूटा घर देखे जे कहे, बोले नहीं पता चो मदरसा खोल लो जी, बोलो ये मोली इतनी धंधा है, कल ही मदरसा खोलता हूँ, चंदा करता हूँ, कहता हूँ मुसलमानों, इस धरती पर जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, ना अल्लाह चांद को निकालेगा, ना अल्लाह सूरज को निकालेगा। मदरसे को हल्के मत लीजिए, मदरसे नहीं होंगे, आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज नहीं बनेगा। जब मरोगे मुसलमानों, जनाजा कौन पढ़ाएगा? फिर वही आलम होगा, पैर में रस्सी लगाएगा, ले जाके गड्ढा खोद के डाल देगा। मुसलमान थे लेकिन अफसोस का मकाम है कि मरे, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, कुर्बान जाओ दफनाने वाला कोई नहीं मिला, सूरह यासीन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करने वाला कोई नहीं मिला। ये अफसोस का मकाम है, इसलिए मदरसा तोड़ो मत, मदरसा बनाओ, मदरसा से भागो मत, मदरसे के करीब अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बनाओ। और मेरा कहना यह है कि हर मोहल्ले में